स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आमा, मायने बेकार पूरा दारू। अम्मा, अम्मा क्या किया आपने? 25,000 रुपए की बोतल थी वो, और कमोड में डाउन द ड्रेन। अयो अयो मुर्गन, इतना कॉस्टली, इतना पैसा क्यों वेस्ट करता है रमन, वो भी दारू पे। जी जी, अयो इतना पैसा में कितना पुअर लोग खाना खा सकता है, और तुम ये दारू पे खर्चा। ले ले रमन, व्हाट यू शुड हैव आस्क्ड, बॉटल सील्ड है रिंदच अम्मा, ऐना प्रॉब्लम है रिंदच। ऐना मानिचको, मुझे मालूम नहीं था, नेक्स्ट टाइम पर ऐसा नहीं होगा। अम्मा पूछ लेना चाहिए ना, सबकी अपनी चॉइस होती है। पापा, ओ पुत्र, छट जान दे, होगी गलती। शुक्र आज मम्मी नहीं थी, मैं जंग छेड़नी थी आज। नहीं पुत्र, वैसे भी एक पंजाबी ही समझ सकता है दारू वेस्ट होने का दर्द। चल छट, माता रानी का नाम ले और पूजा की तैयारी कर, रूही आती होगी कंजूओं को लेकर। हाँ जी, आरती पूरी खत्म हो गई, रमन अंदर पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं पुत्र, काम ही कर रहा है ना, वो काम भी एक पूजा ही है, कोई बात नहीं आ जाएगा। चल तब तक हम कंजो की पूजा करते हैं। चलो चलो बच्चों। शुरू करो आप लोग। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। शुरू करो। हमारे घर की लक्ष्मी, लो जी, लो लो लो। इसकी पहली कंज क्या है, कितनी क्यूट लग रही है ना। कैसा बना है छोला पूरी, अच्छा लग रहा है? Very tasty, Shuma. Thank you. बस भाई मजा आ गया। इसका पुत्र, आज तोशी जी को पता चलेगा ना, उन्हें बहुत गुमान होना अपनी बहू पर। तूने इतने अच्छे से सब कुछ निपटा लिया,
पापा जी मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा ये सब करके। जीउंदी रह पुत्र, खुश रह। सिमी, ये काम करना, इश्ता का हाथ बटाना, उसे थकने मत देना। इश्ता पुत्र, तो भी 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, नहीं तो फिर से कमजोरी आ जाएगी। तुसी किथे जा रहे हो पापा जी? ओ, थोड़ा सोसाइटी ऑफिस में काम है, वो निपटा के आता हूँ। ओके पापा जी। बाय। ये इस भल्ला का कोरियर है। भल्ला उसका घर तो यही है, पर तो यहाँ सेंड कीजिए। थैंक यू। एस भल्ला, प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट एस भल्ला पॉजिटिव। हमारे घर में एस भल्ला प्रेग्नेंट? मिस मी, वो तो भल्ला नहीं है अभी, लेकिन सिमी, क्या है? तुमने बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही है? देखो यहाँ पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई है, एस भल्ला लिखा है, तो तुम्हारे अलावा एस से ओ, मैं कोई प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो ये एस भल्ला, एस भल्ला, ये एस भल्ला कौन है? हाँ हाँ ठीक, हाँ तो मैं बस अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तो बात करते हैं। हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। भाई क्या हुआ? और भी लोग होंगे, अशोक खन्ना, गौतम सिंह, प्रकाश झा और अभिमन्यु राघव, लेकिन सिंगल साहब ने आपको नॉमिनेट किया, यू हैव द बेस्ट चांसेस। एक मिनट, तो टफेस्ट कॉम्पिटिशन कौन है? अभिमन्यु राघव तो यूरोपियन मार्केट का बंदा है, उसको क्या समझ एशियन मार्केट? यू गोना बी द हेड एंड यू गोना रॉकेट फाइट। एग्जैक्टली, सिंगल पर्सनली अंग्रेज को क्या मालूम इंडिया चाइना के मार्केट्स क्या है। अच्छा भाई, अब मुझे जाके मिठाई लानी है और शाम को पापा जी को बोलने वाला हूं, यू गोना हैव सेलिब्रेशन टाइम। मैं जा रहा हूं। सुन सुन, ये खबर मुझे पहले इसी तक देने दे। अरे भाभी को बिना दांत का दूल्हा देखा है? भाई अभी शादी तो होने दो पहले। इस अल्लाह की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट सिमी के लिए तो किसकी है ये? रमन, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, ये मुझे पता चला कि तुम्हें कैसे नहीं बताया ना? भाई मैंने नहीं, बताओ उसे। रिपोर्ट आई ना, तो मुझे रिपोर्ट में पता चला प्रेगनेंसी टेस्ट का है ना ये एस भल्ला का। ये एस भल्ला कौन है? अरे किसी की भी हो, तुम्हें से क्या लेन देना यार, सबके फट्टे में क्यों टांग आती हो तुम? अरे छोड़ ना, किस क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैडम बहुत बिजी है, टाइम नहीं इनके पास, समाज सेवी का जो है। रमन मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। शट अप, तुम करते हो तुम्हारा काम, चल चल यार। मेरी बात तो सुनिए, हर बात पे चिक चिक, इतनी सीरियस बात कर रही हूँ मैं और इन्हें सुनना ही नहीं है कुछ भी। ये प्रेग्नेंट कौन है हमारे घर में, ये कैसे समझ आएगा? खाली मिठाई मिल गई ठंड तुझे? भाई भाभी को सपना थोड़ी ना आना था कि आप उनको कोई अच्छी न्यूज़ देने वाले। तेरी भाभी को सपना आ ही नहीं सकता ना, उसे फुर्सत नहीं है ना समाज सेवा से। आपको उनको बोलना तो चाहिए था कि आप एशिया गिल के हेड बनने वाले। अरे बोलने का मौका दे तो बोलू ना, किसी एस भल्ला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके बैठी है। उस डफर को इतनी भी अक्कल नहीं है कि मेरे घर में एस से सिर्फ सिमी है, उसका भी सरनेम भल्ला नहीं है। अब ये नई एस भल्ला कौन पैदा हो गई? अब ढूंढते मेरे पूरे शहर में। प्लीज काम डाउन, अच्छा दिन है। अरे क्या घंटा काम डाउन यार, मेरी जिंदगी की बैंड बजा रखी है, दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाई। मेरे घर में ना एक से एक बढ़ के, एक हमारे ये देखो निठले साहबजादे। ओ हेलो, दिन में क्या सपने देख रहा है? काम धंधा नहीं है कुछ? जाओ पर गेट टू ऑफिस यार। भाभी ये रिपोर्ट अपनी हो ही नहीं सकती। आई मीन इस नाम का हमारे घर में तो कोई है ही नहीं, तो हमारे घर से नहीं हो सकता है। वही तो, और तुम्हारे भैया से बात करने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो कुछ भी नहीं सुनते। रोमी हर बात पे वो मुझ पे भड़क जाते हैं।
दिस इज समथिंग सो सीरियस. चलो हमारे घर का मामला नहीं लेकिन किसी और के घर का है. जिस भी औरत की रिपोर्ट है ये, उसको पता तो चलना चाहिए कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है. भाभी हम एक काम करते हैं ना, हाँ. हम इस नर्सिंग होम में जाते हैं, वहाँ पे उनको दे देंगे वापस, फिर जिसका भी होगा वो लौटा देंगे उनको. That's a very good idea. तुम चलोगे मेरे साथ? Of course चलूंगा भाभी, चलो. ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ. Excuse me, sir. अरे आओ मेघा. Sir, ये file sign करनी है. तुम्हारी timing बिल्कुल सही. Excuse me? What excuse me? Why do you react to me like this every time? अरे मैं तो सिर्फ लगा कर देख रहा हूँ कि मुझे भी अंदाजा हो जाए कि अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की ये पहनेगी तो ये कैसा लगे. नहीं समझी? अरे शगुन का है. पहन लीजिए मैडम जी. सर कब से कह रहे हैं ये चांदनी चौक का सबसे बढ़िया नेकलेस है ये, और ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा. मैं खुद करूंगी. इसने कहा कि ये शगुन का हार है इसलिए पहन रही हूं, नहीं तो हाथ तोड़ देती इस अशोक खन्ना का. ठीक से पहन लीजिए मैडम वरना गिर जाएगा. एग्जैक्टली मैं भी ये कह रहा था. देखो इट्स ओके, आई एम नॉट गोना ईट यू. देखो Now it looks nice. Yeah. It looks very nice. बस बहुत हो गया. अरे बड़ी जल्दी है तुम्हें हार उतारने की. हाँ शगुन का है ना. Obviously. और किसका होगा? अच्छा क्योंकि आपकी फियांसे आपसे बहुत प्यार करती है. ये फाइल साइन कर दीजिए. थैंक यू. एक तो ये 9 लाख का हार, ऊपर से इस लड़की की 9 लाख की अदा है. कमाल है. हेलो दे दो. लेकिन हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते. देखिए मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, इन बातों को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ही तो एक गलत रिपोर्ट भेजी है ना हमारे घर. एस भल्ला हमारे घर में नहीं है, तो जो भी एस भल्ला है एटलीस्ट उस तक सही रिपोर्ट पहुंचाना हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है. देखिए रिपोर्ट आपकी नहीं है ना, तो आप मुझे वापस दे दीजिए और जाइए यहाँ से. ओ मैडम जी ज्यादा पाठ ना पढ़ाओ, समझे? हमें पता है कि आप अपनी गलती छुपा रहे हो. एक तो हम आपको वापस रिपोर्ट देने आगे, आपको तो वरना होश होनी नहीं है. भाभी आप बैठो, मैं देखता हूँ इनको. समझ गए ना? चल. अरे भाभी. हाँ. ये लो बता भाभी को. अरे भाभी को गलती से आ गया था, वो ह्यूमन एरर समझ लो. अरे बता ना. मैडम जी वो किसी और की रिपोर्ट थी पर आपके एड्रेस पे आ गई. ये बात हमें तो पता ही है, अच्छी बात है कि आपको समझ में आया. अभी बताइए आपको पता चला कि ये कौन है एस भल्ला? अरे हाँ हाँ भाभी, इन्होंने तो फोन भी कर लिया है, बस कुछ ही देर में आके अपनी रिपोर्ट ले लेंगे वो. हो गया अभी है. चल थैंक यू, जा बेटा जा. Thank God. Actually, मैं बहुत worried हो गई थी. After all, pregnancy report की बात हो रही थी. अच्छा भाभी ये सब छोड़ो, आपको मैंने एक बहुत टॉप की खबर सुनाई थी. क्या? अरे भाभी आपको पता है भाई को ना एशिया बिजनेस गिल्ड के हेड के लिए नॉमिनेट किया है. What? अरे वही तो बताने आया था मैं भाभी आपको, और आप हो कि बस इस रिपोर्ट के चक्कर में पड़ गए भाई को. तो तुमको ये बात किसने बताई? अरे वो मिहिर पे भाई बाहर भड़क रहे थे, मैंने सुन लिया. कह रहे थे कि इशिता को मेरी पड़ी नहीं है, जब देखो बस समाज सेवा करती रहती है. बेचारे रमन, वो मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट बात बोलने आए थे और मैं सच में मैं वो सही कहते हैं मैं स्टूपिड हूँ. अभी क्या करूँ मैं, इतनी बड़ी बात हुई है ये तो. माय गॉड आई एम सो हैप्पी. मुझे रमन के लिए कुछ करना चाहिए ना. चलो भाभी जल्दी से कुछ करो. अच्छा सुनो आप घर जाओ, मैं आता हूँ. ठीक है मैं किसी काम पर जा रहा हूँ, और कुछ अच्छा सा प्लान करो भाई के लिए. ठीक है? तुम कुछ बोलना नहीं उनसे? हाँ मैं प्लानिंग करूंगी कुछ अच्छी सी. सच में इशिता
बैठे हो एकदम। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, मुझे तुमसे अभी मिलना है, अभी। सच्ची यार, अजीब औरत है यार। इतने दिल से उसको न्यूज़ देनी थी, उसे क्या किया, सारे किया करे पे पानी फेर दिया। किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके बैठी, समाज सेवा करनी उसको यार, मेरी पड़ी नहीं उसको। बस करो, कब से वही रट लगा के बैठे हो, छोड़ दो अभी। हाँ, तू भी चले जा उसी की टीम में, तू भी ऐसे निकला ना। मेरी परवाह तुझे नहीं है, और एक वो है जिसको मेरी छोड़ के बाकी सबको परवाह है। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तूने बहन जो बनाया ना उसको, जा घुस जा। डिस्गस्टिंग है। आज मैंने आपसे अच्छी तरह से बात नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे फोन पर कंग्रेचुलेट नहीं करूंगी, मिलकर मुबारकबाद दूंगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। How interesting भाई, आजकल आप कितनी इजीली सलमान खान से शाहरुख खान बन जाते हैं, क्या मूड स्विच होता है आपका? सॉरी बोला उसे। हाँ, तभी आपके चेहरे पे इतनी रौनक आ गई। अब मेरा गुस्सा झेलने की हर किसी में ताकत थोड़ी होती। भाई आपका गुस्सा सिर्फ भाभी और मैं ही झेल सकते हैं, और कोई। अब तुझे क्या लगता है, तेरी भाभी को हर कोई झेल सकता है? जैसे को तैसा मिला। अरे सुन यार, वो कक्कर को फोन कर दे यार। क्यों? माँ का फोन आया था, आज कुछ विजयदशमी है तो उसके लिए इशिता को कुछ गिफ्ट देनी, तो मैं तो अपनी गिफ्ट सिलेक्ट करने से रहा। पिछली बार दिया था उसे गौड़ी लगा, तो इस बार सोच रहा हूँ कुछ एकदम सटल, इतना सटल के उसको भी पता ना चले क्या दिया। हाँ मेयर सर, कक्कर साहब कैसे हैं? अरे बस रमन भाई साहब के घर ही जा रहा हूँ, इशिता भाभी ने बुलाया ना। कक्कर तो भाभी से मिलने घर जा रहा है। ठीक है कक्कर साहब, आप घर पहुंचे, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। जी जी, मतलब मैडम ने सिर्फ सॉरी नहीं बोला है, हमें सरप्राइज देना चाहती हैं, कहीं कफलिंग्स तो नहीं बनवा रही? देखा, वो अगर मेरी सरप्राइज पहचान सकती तो मैं भी उसकी सरप्राइज पहचान सकता हूँ, और अगर वो मेरी सरप्राइज बिगाड़ सकती है तो मैं क्यों रह जाऊँ? स्पॉइल इट फॉर हर टू। देख तो भाई क्या कर रहे हो आप, घर पहुंच रख, शांति रख। अरे लेकिन, अरे तू ऑफिस संभाल, में आता हूँ। ये बताइए कि आप किसके लिए दिख रही हैं? रमन के लिए, और किसके लिए? ओके ओके ओके, ये देख। लेकिन ये बहुत थिक थिक है, मतलब मुझे ना थोड़े पतले वाले, स्लीक, थोड़े अच्छे से चाहिए, चमकदार नहीं हो ज्यादा। ओके, ये तो चमकदार हो गया। ऐसा काम क्या आ गया, ऑफिस छोड़ के आया हूँ। आओ ना यहाँ के बैठो। ये सब क्या है? मुझे डेस्परेटली तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो। एक्चुअली ना मुझे रोमी ने बताया कि रमन को नॉमिनेट किया है, वो एक बिजनेस के हेड वाली पोजीशन के लिए, एशिया के लिए। आई नो यू मीन एशिया बिजनेस हेड। एग्जैक्टली, जो भी है। क्या है ना, मैं चाह रही हूं कि उन्हें एक सरप्राइज दूं, सो मैंने सोचा कुछ गोल्ड का ब्रेसलेट या चेन जैसा दूं, बट देन आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहां, तो हेल्प करो ना। हां श्योर। वैसे मैं जानता हूं कि वो नॉमिनेट हुआ है, उसका नाम मैंने सजेस्ट किया है। तुमने मनी? दैट्स वेरी स्वीट मनी। नॉट स्वीट, स्ट्रिक्टली बिजनेस। रमन डिजर्व करता है, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपल। डिजर्व तो करते हैं। चलो ना, मेरा सपोर्ट करो, बताओ। ये वाला देखो। बोरे। और ये डायमंड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, वेरी ब्लिंक। नहीं, ये देखिए आप, इसे ट्राई करके देखिए। ये अच्छा है, ये कैसा लगेगा रमन को? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, दिखाओ, मारे पर ट्राई करती हूँ। लड़कों की चॉइस ना समझ में नहीं आती कि उन्हें क्या दिया जाए, इट्स सो डिफिकल्ट।
But I have a feeling कि ये अच्छा लगेगा. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.